सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो बेटा, हमने चैप्टर वन रेशनल नंबर स्टार्ट किया हुआ है क्लास 8 का, ठीक है। तो इसमें हम अब तक टू वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में। और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उन दो वीडियोस को देख लो ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आपको भी पता है आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस तो इजीली हो जाते हैं, समझ आ जाएंगे। तो देखो, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। अब हम इसके सारे सॉल्यूशंस करेंगे। देखो, वीडियोस कैसे मिलेंगे आपको, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स मिलेंगे। मतलब इस वीडियो में आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, इसके 1 और 2 पार्ट्स हैं, तो इस पहली वीडियो में आपको इन दो सॉल्यूशंस के बारे में मिलेंगे जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बच्चा ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। तो देखो बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोर्ड मार्क्स के रूल के बारे में समझाया था। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन की टर्म ये रही और एक मल्टीप्लीकेशन की टर्म ये रही। यू कैन सी दैट देर आर टू 3/5, एक 3/5 आपका ये रहा और एक 3/5 बच्चे आपका ये रहा। अब इन दोनों को क्या करूंगी, मैं एक साथ लिख दूंगी। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया माइनस क्वेश्चन। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा था, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। मैंने क्या किया, इस 3/5 और इस 3/5 वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, माइनस 3/5 इंटू 1/6, और आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, +5/2। क्या किया हमने यहाँ पे, रीग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, रीग्रुपिंग कर दी है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे लगेगी बच्चे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी, कुछ इस तरीके से थी, ए बी प्लस सी, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। या तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका ए है ये चीज, और यहाँ पे आपकी ये क्या है, ये भी ए है। दोनों सेम नंबर है, 3/5 और 3/5। इसे बोल देते हैं हम बी, और इसे बोल देते हैं हम क्या, इस वाले टर्म को सी। तो देखो ए बी और ए सी, यस। तो अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। ए तो हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा 3/5, तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी। तो बी क्या था हमारा, -2/3, और सी क्या था बेटा हमारा, 1/6। लेकिन ध्यान से देखो, एक बीच में ये माइनस साइन भी तो बच गया, 3/5 आपने यहां से बाहर निकाल लिया और 3/5 आपने बाहर यहां से निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाला माइनस का साइन, सिंपल। इन प्लस में 5/2, ठीक है। आगे देखो, अब हम क्या करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करें, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आता है आपको, 3/5, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, क्या होता है बेटा, 3 और 6 का एलसीएम 6। तो हम सिंपल क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, और ऊपर फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, -4। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में 6 और 6 तो 1 एंड -1, और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगेन आई एम स्पीकिंग, सबसे पहले क्या करोगे बेटा आप सबसे पहले सॉल्व करोगे ब्रैकेट वाले टर्म को। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट है, -4 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू -4 -1 क्या होता है, -5/6।
अब ये आगे फर्दर सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट अब आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हम इसके ब्रैकेट की क्या कर देंगे, साइन रिमूव कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बच गया आपका +5/2। अब बेटा ध्यान से देखो, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकती हूँ मैं, और इस 3 से इस 6 को भी कैंसिल कर सकती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो क्या हुआ आपका, सॉल्व करके यहाँ पे क्या आया, अब हम जगह नहीं बची ना, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका क्या हो गया बेटा, -1/2 +5/2, यही तो बचा। यहाँ से ये कट गया 1 पे, 5 1 5, और ये कट गया 2 पे, और माइनस का साइन, तो -1/2 +5/2, सिंपल। तो आपका -1/2, अब अगेन एलसीएम ले ले, तो एलसीएम तो 2 ही रहेगा हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, -1 + 5, और 5 - 1 क्या होता है आपका, 4/2। ठीक है, तो आपका आंसर, इसको कट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, सिंपल। समझ आया? और अगर समझ नहीं आया किसी स्टेप में, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन सी बेटा, -2/5 इनटू -3/7 -1/6 इनटू 3/2 +1/14 इनटू 2/5। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, इस वाले पूरे टर्म को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, +1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। क्या किया हमने, इस वाले टर्म को उठा के हम यहाँ पे ले आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 1/14 इंटू 2/5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2/5 इंटू 1/14, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, ए बी को हम बी लिख सकें, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यस, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, और बाकी टर्म्स को हम एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है ये, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। उसके बाद देखो बच्चे, इस वाले टर्म में ये आपकी क्या हो गया, ए टर्म, ये हो गई आपकी बी टर्म, ए इंटू बी प्लस ये क्या हो गया आपकी ए टर्म, और ये क्या हो गई, डिफरेंट टर्म है, ये टर्म और ये टर्म सेम है आपके 2/5, तो इसलिए इन्हें मैंने ए और ए लिखा, ये डिफरेंट टर्म थी तो इसे मैंने क्या लिखा, बी, ये भी डिफरेंट है तो इसे मैं डिफरेंट नंबरिंग दे देती हूँ सी, ए बी प्लस ए सी, दिमाग में देखते स्ट्राइक करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ए बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस प्रॉपर्टी का यूज करके 2/5 बाहर कॉमन, ए कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या लिख देंगे, बी प्लस सी, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया आपका बेटा बाहर, -1/6 इंटू 3/2। अब हम क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व कर देते हैं। देखो 2/5 इंटू 14 और 7 का एलसीएम लेंगे, 14 और 7 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 14 होता है, अब 7 2 14, और 2 इंटू 3 -6, सिंपल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, +1। ओके, और इस साइड क्या हो गया आपका, -1/6 इंटू 3/2। ओके, आगे देखो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, -6 + 1 क्या होता है, 5, तो -2/5 इंटू माइनस का साइन आएगा, क्योंकि -6 बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, और यहाँ पे आ गया बेटा -1/6 इंटू 3/2। अब हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, जो कट होता है उसे कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 7 पे, 2 1 2, 2 7 14, ये हो जाएगा आपका बच्चे माइनस होगा कटिए -1 पे यार, और ये भी आपका कट होगा, ये हो जाएगा 3 2 6, और कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स बची, हमारे पास टर्म्स बची -1/7 और -1/2 × 2 = 4। ठीक है, अब 7 और 4 का एलसीएम ले, 7 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, देखो यहाँ पे कर देती हूँ मैं आपका ये
सेवन और फोर का एलसीएम क्या आता है बेटा? 28, और सेवन यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। तो सेवन और फोर को आपने सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये -11 अपॉन में 28। सिंपल, तो आपका ये आंसर हो गया। होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों समझ आए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बेटा।